यार, नीचे कर लो भाई मोबाइल। सब स्थिति बिल्कुल ठीक है, काफी अच्छी स्थिति है। दो दिन अभी रहना उचित आरोप लगा रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग एक साथ हैं, पहले एक साथ थे, कब करते आइए। एक बार कुछ बोल रहा था, हम क्या बोले थे, अपने ना बोले, क्या हमारा रिश्ता है पुराना ना जी, आज का नहीं ना। तो बीजेपी वालों को जंगल राज दिखने लगा बिहार में, कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज लौटा है। आपको जो मन में आएगा बोलेगा ना, चलिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बतवा बोलेंगे, समझ गए ना, एक एक चीज का बोलेंगे। ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको और ज्यादा काम और तेजी से होगा, चिंता मत करिए। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। अरे बोल रहे हैं। अरे इसको छोड़िए, माइक को छोड़िए भाई। सर आगे बात है, आप इसके बारे में बोल रहे हैं। हम कहाँ कब से मंत्री बनाए, 13 से मंत्री बनाए, फिर सोच लीजिए कितना बार बनाए, कोई मतलब है क्या? इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो हम कह दिए हैं पार्टी लोगों को, सब बात कर लेगा, इसका कोई मतलब नहीं, उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। आज से बना रहे, आप लोगों को याद नहीं कि 13 से बना है, 13 में बनी, 14 में बनी, फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी, और फिर इस बार बनी है, और उसको भी दो बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे, और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव इस तरह से बनाना चाहिए, इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। दो बार मौका दिया, जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 सब भूल गया लोग। तो इस तरह से कौन बोलते, हमको आश्चर्य हुआ, हमको मिलना चाहते हो, कल ही हम बुलवाया है कि हम आ जाए, तो कह कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं हमारे ऑफिस में, का हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट दिखे। ये बिल्कुल गलत बात है, और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा है, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा, अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे, ये गलत बात है। हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया गलत बात, इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। और कब से हम बनाए हुए आप सब लोग जानते हैं ना, आज कोई बोलेगा पीछे करो ना, पार्टी कार्रवाई कर सकती है उनपे, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। अरे तो प्रेम से समझा देगा कि सम्मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, तो आपने क्या बोली सोच लीजिए, तो जो बोली है तो बोली है अपना। ऐसा कुछ नहीं, हमको खुद आश्चर्य है, ये सब के लिए चुनाव प्रचार से लेकर के एक एक चीज के लिए कितना सब दिन काम किया, तो इसलिए सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पार्टी में सब बात कहवा दिया है, बोलवा दिया है, ये गलत है, ठीक है। मंत्रियों के आरोप पर क्या फैसला लिया जाएगा? और कोई काम है डिफेम करने के अलावा, और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मोहर लगाया निर्णय पर, 10 लाख के नौकरी और रोजगार को लेकर, तब से ये लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है, और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताएं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है, वारंट के बाद
जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। ये लोग जो झूठ मूठ के जो कुछ मीडिया के लोग जो भाजपा माइंडेड लोग हैं जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उनको करने दीजिए, इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायालय न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे कि क्या हो सकता है।